रविवार को बिलासपुर के त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में सतनामी समाज के द्वारा विशेष सामाजिक बैठक रखी गई, जिसमें सतनामी समाज के धर्म गुरु और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु बालकदास साहेब एवं गुरु सौरभ साहेब के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सामाजिक एकीकरण, राज महंत गण के विभाजन पर चर्चा और धर्म गुरु के आदेश अनुसार विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें सतनामी समाज के विभिन्न संगठन के पदाधिकारी, राज महंत आदि शामिल हुए। इस बैठक में हाल ही में हुए गिरौदपुरी जेतखाम घटना और बलौदा बाजार की घटना को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बेगुनाहों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही गई और दोषियों को पर कार्रवाई करने की मांग की गई। क्या बातें हुई आज यहाँ पे जिला स्तरीय सतनामी समाज का बैठक आयोजित था, इसमें हमारे पूरे समाज के हमारे सतनामी समाज के प्रमुख जन और उनकी भारतीय सतनामी समाज के पदाधिकारी और हमारे महिला समाज से भी प्रतिनिधि, युवा साथी, बुजुर्ग सभी उपस्थिति रही और इसमें प्रमुख रूप से समाज का जो एकीकरण के बारे में हमारे समाज का नेतृत्व बात है उसी से नाम चर्चा की है। पुराने समय में और काशी गांधी अमरदास उस समय पूरा समाज का नेतृत्व गुरु के द्वारा किया जाता था, उसी उद्देश्य को लेकर आज समाज को जागृत किया गया कि समाज में आज गुरु संगठन बनाकर समाज को अलग अलग बांट दिया गया है, जिसके कारण से आज समाज बिगड़ा हुआ महसूस करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो हक अधिकार है, सम्मान है, उसमें आ जा रहे हैं, हमारे धर्म स्थल पर आ जा रहे हैं, धार्मिक भावना आती है, समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, जिससे सभी लोग हाथ हैं। इस सबके निराकरण के लिए समाज को एकजुट करना जरूरी है। जो हमारी पुराना व्यवस्था था समाज में गुरु के बाद हाथ मान देना मान ब्लाक मान सबका गाँव में भंडारी साठीदार, उस चीज़ को फिर से नए रूप में प्रमुखता रूप से मजबूती के साथ समाज को इस समय मार्गदर्शन दिया गया कि हमारे लोग को स्वीकार करें और लोग के नेतृत्व में पूरा समाज आगे बढ़े। पुराने गुरु बालकदास बाबा जी के समय में सिर्फ एक सेना के रूप में या संस्था के रूप में फिर भारतीय सतनाम सेना था और किसी प्रकार से कोई संगठन नहीं था, उसी अखिल भारतीय सतनाम सेना को आज भी कायम रखे हुए हैं, जिसका है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष। समाज में जो बदलाव की स्थिति बनी है उसमें मतलब समाज को भी आह्वान किया गया है कि भी संगठन के रूप में फिर भारतीय सतनाम सेना को करीब भी राष्ट्रीय स्तर पर कराया गया है, उसमें सारे लोग जुड़े और समाज की रक्षा के लिए समाज के निर्माण स्थान के लिए उसमें आगे आए ताकि आज जो किसी प्रकार से न्याय अत्याचार हो रहा है उसमें विराम लगाया जा सके और समाज को कमजोर समझ के किसी भी संयंत्रकारी के द्वारा समाज को किसी भी रूप में झोंक दिया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरा समाज बलौदा बाजार जो कांड है वो हमारे सामने है। हम लोग सतनामी समाज के लोग और घासीदास जी के जो कर्म अंतरण भूमि है धर्मपुरी धाम जहाँ अमर गुफा नाम से बाबा अमरदास बाबा जी के नाम धर्मपुरी धाम है, जहाँ पे सैद खान की लगातार जीत का उतार दिया गया, अपमानित कर दिया गया, जिसके संबंध में समाज के लोगों ने न्याय की गुहार की सरकार से और जिसके परिणाम स्वरूप 3 आरोपी गिरफ्तारी हुई और हम उसके बाद फिर से पूरा जैत खान को सम्मान स्थापित किए, उसके बाद वहाँ पर विराम लग जाता है। समाज के लोगों ने ये कहा कि भी जो 3 अपराधी वो वास्तविक अपराधी नहीं है और वास्तविक अपराधी कोई और है जिसके लिए जांच की आवश्यकता महसूस की समाज के द्वारा और समाज के द्वारा ये मांग किया गया कि CBI जांच कराया जाए केंद्र सरकार, लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज का कोई प्रतिनिधि मंडल उस बात को लेकर सरकार के पास नहीं गया, जबकि सरकार के पास इस मांग को लेकर जाना था
उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया जो आती उसके बाद किसी भी आंदोलन के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहीं जो आंदोलन बड़ौदा बाजार में हुआ जिसका कोई की तरह बिना नेतृत्व के वह आंदोलन हुआ और एक सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन खड़ा हो गया और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि भी यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, वो जो समाज विरोधी है, सरकार विरोधी है, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो समाज को बदनाम करना चाहते थे, सरकार को बदनाम। आज हमारे सतनामी समाज के आदेशक निर्देशक धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब जी के मार्गदर्शन में सामाजिक एकीकरण विभिन्न संगठनों के संबंध में आज बैठक हुई है और यह बहुत ही ज्वलंत विषय आज गुरु जी ने हम सबके सामने रखा है, जिस विषय में आज काफ़ी व्यस्तम समय के बाद भी आज गुरु जी ने हम सब समाज प्रमुखों विभिन्न संगठनों के बीच में आज हम सबको समय देकर के मार्गदर्शन दिया है और निश्चित रूप से हम सबको जैसा गुरु जी ने कहा है कि गुरु बना हो जान के और पानी पी हो छान के, तो आज समय है कि गुरु कौन हमारे समाज को सही दिशा दशा और स्थिति की ओर ले जा सकता है। बाबा गुरु घासीदास के जो बताए हुए मार्ग पे समाज को कौन एकत्रित कर सकता है, तो आज समाज यह निर्णय करने के लिए बैठा कि हमको निश्चित रूप से ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, ऐसे गुरु के नेतृत्व की आवश्यकता है जो हम सब के ज्वलंत जो विषय है उसका निराकरण कर सके, सामाजिक और धार्मिक चीज़ों का विधिवत पालन करवाते हुए हम सबको न्याय दिला सके। ऐसे आज निर्णय लेने का समय आ गया है और यह स्पष्ट छवि हम धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब और गुरु सोमेश दास जी के बीच में हम लोग पा रहे हैं और अपने बीच में लगातार हम लोग देख रहे हैं। मैं तो 25 सालों से देख रहा हूं कि समाज के बीच में जो एक साख गुरु बालदास जी का है गुरु बालक दास जी के बाद आज हम अपने बीच में पा रहे हैं। आज हम लोगों ने एक निर्णय लेने का फैसला लिया है कि गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग आगे समाज को आगे बढ़ाएंगे और उनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करते हुए हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। रह गई बलौदा बाजार की घटना, इस बारे में मैं जरूर कहूँगा कि आज हम सबको चिंतन करना चाहिए कि एक नेतृत्व विहीन जो वहाँ पे सामाजिक जो धरना हुआ प्रदर्शन हुआ गुरु जय स्तंभ काटने को लेकर के, निश्चित रूप से आज समाज के हमारे मुखिया होते, हमारे धर्म गुरु होते, राज महंत होते, समाज प्रमुख होते, जिनके नेतृत्व में चलते तो ये शायद जो है यह घटना नहीं घट पाती। कहीं ना कहीं हम दुखी हैं उस घटना से और हम भी शासन प्रशासन से लगातार न्याय मांग कर रहे हैं, गुरु जी लोग भी मांग कर रहे हैं। मैं फिर से इस आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो भी उस घटना में संलिप्त है चाहे कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और समाज में जो निर्दोष पकड़े गए हैं उनको निशर्त रिहाई करना चाहिए। ऐसे मैं आपके माध्यम से मांग रहा हूं। मैं राजमहन डॉक्टर वसंत अंचल। देखिए आज न्यायधानी बिलासपुर के त्रिवेणी सभागार सतनामी समाज के प्रमुखों की छड़ीदार भंडारी जितने भी तमाम जो सतनाम धर्म को सतनामी समाज को संचालित करते हैं उन सबके उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में सतनामी समाज के अधिकारी कर्मचारी सामाजिक संगठन चलाने वाले प्रमुख लोग उपस्थित थे। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समाज को एकजुट करने के लिए, समाज में समन्वय स्थापित करने के लिए, समाज की रीति और नीति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इस बैठक में चूंकि सतनामी समाज एक गुरु प्रधान समाज है और सतनामी समाज के लोग अपने गुरु के आन बान सम्मान उनकी इज्जत की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसमें देखा यह जा रहा है कि हमारे समाज में भी
इस सतनामी समाज में बहुत सारे गुरु हैं, पर समाज में समाज के लोग ये तय नहीं कर पाते हैं, कर पा रहे हैं कि किस गुरु के नेतृत्व में हमको उनके मार्गदर्शन में काम करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी और सर्वसम्मति से सारे लोग आज ये तय किए हैं कि जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जो गुरु समाज के साथ खड़े रहते हैं, समाज में होने वाले अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के लिए समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, ऐसे गुरु को गुरु मानने के लिए, अपना एक सर्वश्रेष्ठ गुरु स्थापित करने के लिए इस पर काफ़ी बैठक हुई और इस पर यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित करेंगे, महासम्मेलन होगा जिसमें समाज के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी सारे लोग उपस्थित रहेंगे और उसमें एक गुरु को जो है हम लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानेंगे, स्थापित करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में समाज जो है आगे उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। इसके लिए हमारे गुरु, राजा गुरु, धर्म गुरु, गुरु बालदास जी के नेतृत्व में पूरा समाज जो है इकट्ठा होगा, समाज उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज की प्रगति और उन्नति के दिशा में काम करेगा। ये आज हमारे बैठक का निर्णय है और इसके लिए एक हमारी समन्वय कमेटी बनेगी। तमाम संगठन प्रदेश में जितने सामाजिक संगठन हैं उन सामाजिक संगठनों से बैठक करके समन्वय स्थापित करके एकजुट होकर के हम समाज की उन्नति और प्रगति के लिए काम करेंगे, इसलिए जो बैठक आयोजित की गई। मैं सुरेश कुमार दिवाकर, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी महासंघ प्रमुख छत्तीसगढ़ एवं सतनामी समाज छत्तीसगढ़ का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।